एटा के अलीगंज ब्लॉक क्षेत्र के गांव पुराहार बुलाकी नगर में सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कब्जे से सोमवार को पंचायत घर मुक्त कराया गया। पंचायत घर पर लगे ताले तोड़कर इसे ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मिनी मंडी में चल रही सपा नेता की इंटरलॉकिंग ईंट बनाने की मशीनों को जब्त कर लिया गया। पिछले साल शिकायत की गई थी कि गांव में बने पंचायत घर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह ने कब्जा कर रखा है। इस पर जांच पड़ताल हुई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एडीओ पंचायत ने 18 जून 2021 को ओमपाल सिंह पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। उपजिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि नवीन पंचायत घर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कब्जा बना रखा था। पंचायत घर पर लगे ताले तोड़कर नए ताले लगा दिए गए हैं। उसका कब्जा प्रधान और सचिव को दिया गया है। इसके अलावा इसी गांव में बनी मिनी मंडी में अवैध रूप से चल रही इंटरलॉकिंग ईंट बनाने की मशीनों को जब्त किया गया। पूर्व में हुई ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ रिपोर्ट के मामले में चार सीट लग चुकी है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राकेश कुमार, नायब तहसीलदार विक्रम सिंह, कोतवाली प्रभार निरीक्षक छत्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने ग्राम समाज की जमीन पर कई जगह अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इसकी पैमाइश कराई जा रही है। सब स्थानों पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि नगला बल्लभ में 100 बीघा से अधिक चारागाह की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसकी पैमाइश कराई जा रही है। इसे भी जल्द कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। जलेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव हसनगढ़ में भूमाफियाओं द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसको राजस्व टीम व जल निगम की संयुक्त कार्रवाई में कब्जा मुक्त कराया गया। राजस्व निरीक्षक अतर सिंह ने बताया कि गांव में पानी की टंकी व खेल के मैदान पर वर्षों से कब्जे शिकायत पर जेसीबी की मदद से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।